हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का जून 2012 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी। ये पार्ट टू है। इसके पहले मैंने पार्ट वन बनाया था जिसमें 25 क्वेश्चन की मैं वीडियो लेकर आई थी, और ये भी 25 क्वेश्चन की वीडियो है क्योंकि 2012 में टोटल क्वेश्चन 50 थे। आइए हम स्टार्ट करते हैं 26 से क्वेश्चन, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मैंने जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो बनाई थी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी कथन है, कला की प्रकृति जटिल है क्योंकि कला समसामयिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तथा हर की अपनी संवेदनशीलता होती है। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और आर दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। एचिंग प्रिंट्स को धातु की प्लेट का उपयोग कर कठोर सतह पर तैयार किया जा सकता है, ये सही है। आर, एचिंग को बिना किसी तकनीक सहायता से आसानी से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए सही है तथा आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। भारत में प्रिंट मेकिंग आंदोलन 20वीं शताब्दी में हुआ, ऐसा अमेरिकी प्रिंट मेकर्स के प्रभाव के कारण हुआ जिन्होंने 20वीं शताब्दी में भारत में कार्य किया। तो इसका राइट आंसर है ए, ए और आर दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 29। हमजानामा जो 12 खंडों में है के चित्रों में घटनाओं, ब्रांड, हेडलिंग, चटकीले अभिव्यंजक रंगों का नाटकीय निरूपण प्रदर्शित होता है। अकबर साहित्यिक और उत्कृष्ट कलात्मक अभिरुचि वाले व्यक्ति थे जिन्होंने मीर हमजा जो पैगंबर के चाचा थे के रोमांचकारी चित्रण की प्रशंसा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ए तथा आर दोनों सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 30। जी आर संतोष को तांत्रिक चित्रकार माना जाता है क्योंकि वे कश्मीर से थे तथा योग अंतर का अभ्यास करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ए सही है परंतु आर आंशिक रूप से सही है। 31 क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल के निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए, बोत्तिचेली, डोनातो ब्रेमांते, लियोनार्डो दा विंची, मैसेचियो। अब इनके हम डेट ऑफ बर्थ से कालक्रम कर लेते हैं। बोत्तिचेली का है 1445, डोनातो ब्रेमांते का है 1444, लियोनार्डो दा विंची का है 1452, मैसेचियो का है 1401। इसका राइट आंसर है ए, लेकिन अगर हम कालक्रम की दृष्टि से इनकी डेट ऑफ बर्थ की दृष्टि से अगर लगाते हैं तो चारों ऑप्शन में कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है, और यूजीसी नेट ने ए इसका राइट आंसर किया है। वरना इस तरह में क्या होता, सबसे पहले मैसेचियो आते, मैसेचियो के बाद आते हमारे ब्रह्मांते, ब्रह्मांते के बाद आते बोत्तिचेली, फिर आते माइकल वो लियोनार्डो दा विंची। इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों का सही कालक्रम पहचानिए, परशुरामेश्वर, बैताल देउल, लिंगराज, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसका राइट आंसर है सी, सबसे पहले परशुरामेश्वर, फिर लिंगराज, फिर बैताल देउल, फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये चारों सूर्य मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, जिसमें सबसे पहले परशुरामेश्वर मंदिर आती है, फिर लिंगराज आते हैं, फिर बैताल देउल, फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है 33। आविष्कृत किए जाने के क्रम से निम्नलिखित तकनीकों का सही क्रम बताइए, तो इसका राइट आंसर है डी, ड्राई पॉइंट, मेटल इंग्रेविंग, लाइन एचिंग, एक्वाटिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रयुक्त सामग्री का सही क्रम बताइए, स्क्वीजी, फ्रेम, एक्सपोजिंग टेबल, प्रिंटिंग टेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले फ्रेम करेंगे, फिर एक्सपोजिंग टेबल, फिर प्रिंटिंग टेबल, फिर लास्ट में स्क्वीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ग्राहक एजेंसी संबंध को प्रभावित करने वाले कारक तत्व में सम्मिलित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तालमेल, विचारकों का आदान प्रदान, आचरण और फिर वैभिन्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 36। अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम चुनिए, आँख, कान, स्वाद, गंध। तो सबसे पहले हो जाएगा आँख, फिर कान, फिर गंध, फिर स्वाद। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित कलाकारों का सही कला अनुक्रम निम्नलिखित विकल्पों से चुनिए, इनको हम कालक्रम में कर लेते हैं। इनका राइट आंसर है बी,
डेलाक्रोएक्स, मातिस, ब्रांकुसी और हैंसन। इनके हम डेट ऑफ बर्थ से इनको लगाएंगे, तो इनका डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देती हूँ। डेलाक्रोएक्स का डेट ऑफ बर्थ है 1798, हेनरी मातिस का है 1869, ब्रांकुसी का है 1896 और हैंसन का है 1925। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ याद है तो हमारे कोई भी क्वेश्चन कालक्रम वाले गलत नहीं हो पाएंगे। तो ये इनका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बताइए, कार्विंग, मैकेट, ड्राइंग, फिनिशिंग। तो इसका राइट आंसर है डी, सबसे पहले ड्राइंग, फिर मैकेट, फिर कार्विंग, फिर फिनिशिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित पेंटिंग्स का सही कालक्रम पहचानिए, केव, मोनास्ट्री, खिलाड़ी, ब्रूडिंग, हल्दी, ग्राइंडर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रूडिंग, हल्दी, ग्राइंडर्स, केव, मोनास्ट्री, खिलाड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का जून 2012 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी। ये पार्ट टू है, इसके पहले मैंने पार्ट वन बनाया था जिसमें 25 क्वेश्चन की मैं वीडियो लेकर आई थी, और ये भी 25 क्वेश्चन की वीडियो है क्योंकि 2012 में टोटल क्वेश्चन 50 थे। आइए हम स्टार्ट करते हैं 26 से क्वेश्चन, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मैंने जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो बनाई थी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी कथन है, कला की प्रकृति जटिल है क्योंकि कला समसामयिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तथा हर की अपनी संवेदनशीलता होती है। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और आर दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एचिंग प्रिंट्स को धातु की प्लेट का उपयोग कर कठोर सतह पर तैयार किया जा सकता है, ये सही है। आर, एचिंग को बिना किसी तकनीक सहायता से आसानी से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए सही है तथा आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत में प्रिंट मेकिंग आंदोलन 20वीं शताब्दी में हुआ, ऐसा अमेरिकी प्रिंट मेकर्स के प्रभाव के कारण हुआ जिन्होंने 20वीं शताब्दी में भारत में कार्य किया। तो इसका राइट आंसर है ए, ए और आर दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हमजानामा जो 12 खंडों में है के चित्रों में घटनाओं, ब्रांड, हेडलिंग, चटकीले अभिव्यंजक रंगों का नाटकीय निरूपण प्रदर्शित होता है, अकबर साहित्यिक और उत्कृष्ट कलात्मक अभिरुचि वाले व्यक्ति थे जिन्होंने मीर हमजा जो पैगंबर के चाचा थे के रोमांचकारी चित्रण की प्रशंसा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ए तथा आर दोनों सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 30, जी आर संतोष को तांत्रिक चित्रकार माना जाता है क्योंकि वे कश्मीर से थे तथा योग अंतर का अभ्यास करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ए सही है परंतु आर आंशिक रूप से सही है। 31 क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल के निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए, बोत्तिचेली, डोनातो ब्रेमांते, लियोनार्डो दा विंची, मैसेचियो। अब इनका इनके हम डेट ऑफ बर्थ से कालक्रम कर लेते हैं, बोत्तिचेली का है 1445, डोनातो ब्रेमांते का है 1444, लियोनार्डो दा विंची का है 1452, मैसेचियो का है 1401। इसका राइट आंसर है ए, लेकिन अगर हम कालक्रम की दृष्टि से इनकी डेट ऑफ बर्थ की दृष्टि से अगर लगाते हैं तो चारों ऑप्शन में कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है, और यूजीसी नेट ने ए इसका राइट आंसर किया है। वरना इस तरह में क्या होता, सबसे पहले मैसेचियो आते, मैसेचियो के बाद आते हमारे ब्रह्मांते, ब्रह्मांते के बाद आते बोत्तिचेली, फिर आते माइकल लियोनार्डो दा विंची, इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों का सही कालक्रम पहचानिए, परशुरामेश्वर, बैताल देव, लिंगराज, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसका राइट आंसर है सी, सबसे पहले परशुरामेश्वर, फिर लिंगराज, फिर बैताल देव, फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये चारों सूर्य मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित हैं, जिसमें सबसे पहले परशुरामेश्वर मंदिर आती है, फिर लिंगराज आते हैं, फिर बैताल देव, फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है 33, आविष्कृत किए जाने के क्रम से निम्नलिखित तकनीकों का सही क्रम बताइए, तो इसका राइट आंसर है डी, ड्राई पॉइंट, मेटल इंग्रेविंग, लाइन एचिंग, एक्वाटिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन
34. सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रयुक्त सामग्री का सही क्रम बताइए. स्क्विजी, फ्रेम, एक्सपोजिंग टेबल, प्रिंटिंग टेबल. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. सबसे पहले फ्रेम करेंगे, फिर एक्सपोजिंग टेबल, फिर प्रिंटिंग टेबल, फिर लास्ट में स्क्विज. नेक्स्ट क्वेश्चन 35. ग्राहक एजेंसी संबंध को प्रभावित करने वाले कारक तत्व में सम्मिलित है. इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. तालमेल, विचारकों का आदान प्रदान, आचरण और फिर वैभिन्न. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 36. अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम चुनिए. आँख, कान, स्वाद, गंध. तो सबसे पहले हो जाएगा आँख, फिर कान, फिर गंध, फिर स्वाद. तो राइट आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 37. निम्नलिखित कलाकारों का सही कला अनुक्रम निम्नलिखित विकल्पों से चुनिए. इनको हम कालक्रम में कर लेते हैं. इनका राइट आंसर है बी. डेलाक्रोएक्स, मातिस, ब्रांकुसी और हैंसन. इनके हम डेट ऑफ बर्थ से इनको लगाएंगे. तो इनका डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देती हूँ. डेलाक्रोएक्स का डेट ऑफ बर्थ है 1798. हेनरी मातिस का है 1869. ब्रांकुसी का है 1896. और हैंसन का है 1925. अगर हमें डेट ऑफ बर्थ याद है तो हमारे कोई भी क्वेश्चन कालक्रम वाले गलत नहीं हो पाएंगे. तो ये इनका राइट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है. निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बताइए. कार्विंग, मैकेट, ड्राइंग, फिनिशिंग. इसका राइट आंसर है डी. सबसे पहले ड्राइंग, फिर मैकेट, फिर कार्विंग, फिर फिनिशिंग. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 39. निम्नलिखित पेंटिंग्स का सही कालक्रम पहचानिए. केव, मोनास्ट्री, खिलाड़ी, ब्रूडिंग, हल्दी, ग्राइंडर्स. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. ब्रूडिंग, हल्दी ग्राइंडर्स, केव मोनास्ट्री, खिलाड़ी. नेक्स्ट है ज्यामिति रूप पर कार्य करने वाले निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए. तो इसका राइट आंसर है डी. हम इनका आपको डेट ऑफ बर्थ भी बता देते हैं. जे स्वामीनाथन का डेट ऑफ बर्थ है 1928. फिर नेक्स्ट है जी आर संतोष, इनका है 1929. बी खन्ना का है 1940. और ओम प्रकाश का डेट ऑफ बर्थ है 1932. ये आप नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट है 41. ये मिलान है. निम्नलिखित देवताओं तथा उसके प्रतीकात्मक लक्षणों को सुमेलित कीजिए. ए उष्णी, बी चक्र, सी त्रिशूल, डी कमंडल. तो उष्णी हो जाएगा बुध, चक्र विष्णु, त्रिशूल शिव, कमंडल बोधिसत्व मैत्रेय. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा. नेक्स्ट क्वेश्चन 42. निम्नलिखित मूर्तियों तथा उनके स्थलों को सुमेलित कीजिए. कैलाश पर्वत को हिलाती हुई रावण की मूर्ति. इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर. फिर महेश मूर्ति, एलिफेंटा गुफाएं, गंगा अवतरण, महाबलीपुरम, मौर्य बुल कैपिटल, लोरियानंदनगढ़. तो हमारा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 43. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए. जय झरोठिया, लक्ष्मा गौड़, रीनी धुमान, सनतकर. तो जय झरोठिया हो जाएंगे दिल्ली, लक्ष्मा गौड़ हैदराबाद, रीनी धुमाल बड़ोदरा, सनतकर कोलकाता. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. ए हो जाएगा, ए का है तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला. नेक्स्ट क्वेश्चन 44. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए. जगमोहन चोपड़ा, प्रयाग झा चिल्लर, सनतकर पलानियप्पन. ये उनकी टेक्निक्स है, उन्होंने किस किस माध्यम में काम किया है. तो जगमोहन चोपड़ा, इनका हो जाएगा कैलोग्राफ. फिर प्रयाग झा चिल्लर, इनका हो जाएगा एक्वाटिन. फिर सनतकर, वुड इंटेग्लियो, पलानियप्पन, ड्राइंग विथ प्रिंट इम्प्रेशन. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 45. निम्नलिखित सामग्रियों तथा स्कल्पचर्स मीडियम्स को सुमेलित कीजिए. कार्विंग, मॉडलिंग, कास्टिंग, असेंबलेज. तो कार्विंग हो जाएगा पत्थर, मॉडलिंग क्ले, कास्टिंग पीतल और असेंबलेज स्क्रैप मेटल्स. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. कार्विंग का पत्थर, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 46.
निम्नलिखित कलाकारों को उनकी सृजनात्मक कृतियों से सुमेलित कीजिए। प्रदोष दास गुप्ता का है इनवांडेज, फिर एदगर देगा का है लेटर 14-year-old डांसर, फिर ब्रांकुसी का बर्ड्स इन स्पेस, फिर राघव कनेरिया दे बुल, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 47। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आंख दान करें, ये एडवर्टाइजिंग का क्वेश्चन है। आंख दान करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या राय। फिर अब पोलियो का अंत करें, अमिताभ बच्चन। फिर शाकाहारी बने, मेनका गांधी। अतिथि देवो भवा, आमिर खान। इसका राइट आंसर है ए। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अधिकतम पॉइंट साइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 पॉइंट। फिर जटिल संगुप्तिक अध्याक्षर, इसका हो जाएगा गुडलेक। फिर रिजोल्यूशन की इकाई, इसका हो जाएगा DPI। फिर सचित्र पाठ्य सामग्री, पिक्टोग्राफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्नलिखित पदों तथा पेंटिंग मीडियम्स को सुमेलित कीजिए। हल्के से गाढ़े की ओर जाना, ये है जल रंग। फिर गाढ़े से हल्के की ओर जाना, तैल रंग। चिपकाना, कोलाज, एचिंग, ग्राफिक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 50। निम्नलिखित कलाकारों तथा उनके संबंधित स्थानों को सुमेलित कीजिए। ये उनके स्थान है कलाकारों के, से असित कुमार हल्दर का है लखनऊ। फिर BC सान्याल, इनका है दिल्ली। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन। NS बेंद्रे, बड़ौदा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इससे मैं जो भी वीडियो लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।